Good morning, students. I, Kirti, welcome you all in BBBN online classes. And today we are going to start our next chapter 2, that is using Windows 10 operating system. And in this chapter, we will learn about work with Windows 10, how we work with Windows 10, create, save and open a file and folders, create a new folder and how we open it, use the this PC icon. This PC icon को किस तरीके से यूज किया जाता है एंड द लास्ट इज क्रिएट अ शॉर्टकट आइकन. ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ वी यूज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाई डू वी नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम. हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों होती है. सो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव टू स्टडी अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आप मुझे बता सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. ओके, आई टेल यू, वी नीड समथिंग टू पावर अप कंप्यूटर्स. कंप्यूटर को पावर अप करने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है. एज ए कंप्यूटर इज जस्ट लाइक अ मशीन, इट विल नॉट वर्क अंटिल सम इंस्ट्रक्शन आर नॉट गिवन टू इट. जो कंप्यूटर होता है, इट जस्ट लाइक ए मशीन. ठीक है, ये एक टाइप की मशीन होती है, लेकिन ये तब तक काम नहीं करती है जब तक इसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते हैं. दीज इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू अ कंप्यूटर बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम. और कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ये किसकी हेल्प से दिए जाते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिए जाते हैं. ओके, कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शन के वर्क नहीं करता है एंड कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से दिए जाते हैं. विच परफॉर्म ऑल द मेन टास्क. और वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सभी मेन टास्क करता है जो कि हमें कंप्यूटर में जरूरी होते हैं. एज प्रोवाइडिंग अ यूजर विद अ मीडियम टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर एंड कनेक्ट टू डिवाइस, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर. वो सारी सुविधाएं ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है जिनकी हमें जरूरत होती है, लाइक प्रिंटर. ठीक है, कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और जब हमें किसी भी अपने वर्क की या किसी भी डॉक्यूमेंट की हमें हार्ड कॉपी चाहिए होती है तो हमें किसकी हेल्प से मिलती है, प्रिंटर की हेल्प से मिलती है. नाउ डू यू नो देर आर मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स. आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम कई टाइप के होते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जिसके बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, एंड मैक ओएस, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज उबंटू, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज एंड्रॉइड एंड आईओएस, एंड यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज सोलारिस. ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इन दिनों कंप्यूटर्स में यूज में लिए जा रहे हैं. काफी टाइम से जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में लिए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जिसके बारे में आपने अपने प्रीवियस क्लास में क्लास थर्ड में पढ़ा था. सो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वो मोस्ट पॉपुलर विंडो है. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल फॉर प्लेटफॉर्म सच एज डेस्कटॉप एंड टैबलेट्स. जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आते हैं उसमें जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में लिया जाता है वो कौन सा होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. इट इज डेवलप्ड एंड रिलीज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. पॉपुलर वर्जन ऑफ एमएस विंडो इंक्लूड विंडो एक्सपी, विंडो 7 एंड विंडो 10. एंड विंडो 10 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. जो विंडो 10 है, आपने पहले कंप्यूटर अपने डेस्कटॉप पे कौन सी विंडो यूज में ली थी, आपने कौन सी विंडो पे वर्क किया था, विंडो 7 पे. बट नाउ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द विंडो इज विंडो 10. अब जो कंप्यूटर्स आप काम में ले रहे हैं, अब जो डेस्कटॉप आप काम में ले रहे हैं उसमें विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में लिया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा दिस पीसी आइकन. स्टूडेंट, दिस पीसी आइकन क्या होता है. आई एक्सप्लेन दिस पीसी आइकन एंड इट्स वेरियस कॉम्पोनेंट्स. दिस पीसी आइकन इज रिप्लेस माई कंप्यूटर फ्रॉम विंडो 8. आपने जब विंडो 7 विंडो 8 पे वर्क किया था तो आपने देखा होगा कि आपके डेस्कटॉप पे एक ऑप्शन आता था माई कंप्यूटर, राइट. तो विंडो 10 जो लेटेस्ट वर्जन विंडो 10 आया है,
इसमें माई कंप्यूटर के जगह पर कौन सा ऑप्शन यूज में, कौन सा आइकन यूज में लिया जा रहा है, दिस पीसी आइकन। आप देख रहे हैं कि माई कंप्यूटर की जगह हम कौन सा आइकन यूज में ले रहे हैं, दिस पीसी आइकन। और ये दिस पीसी आइकन जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, इट कंटेंट्स ऑल द ड्राइव्स एंड फोल्डर्स। सेम जो माई कंप्यूटर का वर्क होता था, दिस पीसी भी सारी ड्राइव्स और जितने भी फोल्डर्स होते हैं वो अपने अंदर रखता है। वी ओपन्स द दिस पीसी आइकन बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट। दिस पीसी आइकन को ओपन करने के लिए हमें सेम जैसे किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए उस पर डबल क्लिक करना होता है, तो दिस पीसी आइकन को भी ओपन करने के लिए हमें उस पर डबल क्लिक करना होता है। टू ओपन एनी प्रोग्राम और एप्लीकेशन वी नीड टू डबल क्लिक ऑन इट। हमें किसी भी प्रोग्राम और या किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी फोल्डर, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए उस पर क्या करना होता है, डबल क्लिक करना होता है। सो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, दिस पीसी आइकन माई कंप्यूटर की जगह रिप्लेस किया गया है। एंड सेम जिस तरीके से माई कंप्यूटर में सारे फोल्डर्स और ड्राइव्स सेव रहती हैं, इकट्ठी रहती हैं, दिस पीसी भी अपने अंदर वो सारे फाइल्स, फोल्डर एंड जो भी ड्राइव्स होती हैं उसे अपने पास रखता है। एंड दिस पीसी आइकन को ओपन करने के लिए आपको उसे डबल क्लिक करना होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, दैट दिस पीसी विंडो इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। जो दिस पीसी विंडो है वो टू सेक्शन में डिवाइड की गई है। कौन कौन से? मेन विंडो एंड लेफ्ट सेक्शन। जो एक तो होती है मेन विंडो और एक होता है उसका लेफ्ट सेक्शन, और दोनों में अलग अलग आइटम्स होते हैं, अलग अलग आइकन्स होते हैं जिनका अलग अलग यूज होता है। द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बटन्स आर यूज टू नेविगेट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड फ्रॉम अ फोल्डर। एंड अबाउट फोल्डर एंड फाइल, फाइल एंड फोल्डर के बारे में मैं आपको इस चैप्टर में नेक्स्ट जो पॉइंट्स आएंगे उनमें एक्सप्लेन करूंगी। द एड्रेस बार कैन ऑल्सो बी यूज टू मूव टू अ पर्टिकुलर फोल्डर बाय क्लिकिंग ऑन दिस नेम। द सर्च बॉक्स अलाउ अस टू क्विकली सर्च द फाइल एंड फोल्डर बाय टाइपिंग द नेम इन इट। जो सर्च बॉक्स होता है वो क्या काम आता है, आपने मोबाइल में भी यूज लिया होगा। जो सर्च बॉक्स होता है वो किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर या एप्लीकेशन को फाइंड करने के, सर्च करने के काम आता है। जब आप सर्च बॉक्स में उस फाइल एंड फोल्डर, पर्टिकुलर फाइल एंड फोल्डर का नेम टाइप करेंगे तो वो फाइल एंड फोल्डर आपके सामने आ जाएगा। दिस पीसी इज डिस्प्लेड इन द लेफ्ट सेक्शन अलोंग विथ अदर टूल्स सच एज क्विक एक्सेस, वन ड्राइव एंड नेटवर्क्स। एंड जो लेफ्ट सेक्शन है उसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, क्विक एक्सेस एंड वन ड्राइव एंड द नेटवर्क। ये जो विंडो 10 है उसमें जो दिस पीसी ऑप्शन अब हम यूज में लेते हैं, टू सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है मेन विंडो एंड द सेकेंड ऑप्शन इज लेफ्ट सेक्शन, जिसमें क्विक एक्सेस एंड वन ड्राइव एंड द नेटवर्क ऑप्शंस यूज में लिए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने टाइप के होते हैं, एंड एमएस विंडो जो लेटेस्ट वर्जन है विंडो 10 वो किस तरीके से डेस्कटॉप पे यूज में लिया जाता है, एंड माय कंप्यूटर की जगह दिस कंप्यूटर जो आइकन है उसे किस तरीके से यूज में लिया जाता है, उसे किस तरीके से ओपन किया जाता है, एंड उसे कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सो हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।